हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज, आज हम आपको बताएंगे अब सभी के बैंक खातों में अचानक से 10,000 रुपए आने लगे, कर्मचारियों ने बैंक किया बंद। तो दोस्तों अचानक से खातों में आने लगे 10,000 रुपए और कर्मचारियों ने बैंक को कर दिया बंद। तो दोस्तों देश के में चल रहे चुनावी माहौल के बीच यूपी के मुरादाबाद से उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 2.5 लाख किसानों के खातों में अचानक से 10,000 रुपए आने लगे, तो कर्मचारियों ने बैंक को बंद कर दिया। तो दोस्तों किन लोगों के खातों में आए हैं 10,000 रुपए, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे जोड़ी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सके हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आप किस शहर के रहने वाले हैं, उस हिसाब से आपको भी मिलेंगे 10,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 2,500 लोगों के खाते में अचानक पहुंचे 10,000 रुपए, कर्मचारियों ने बंद किया बैंक। तो दोस्तों देश में चल रहे चुनावी माहौल के बीच यूपी के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 2,500 लोगों के खातों में 10,000 रुपए अचानक पहुंच गए। खातों में रुपए जमा होने की सूचना जैसे ही लोगों की बीच फैली, लोग अपनी अपनी पासबुक उठाकर बैंक की तरफ दौड़ उठे। बैंक पहुंचकर पता चला कि करीब 2,500 लोगों के जनधन खातों में 10,700 रुपए की एंट्री हुई है। इसके बाद लोगों ने अपने अपने खातों से रुपए निकालने शुरू कर दिए। बैंक में लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर कर्मचारी भी पसीने छूट गए। तो दोस्तों और भीड़ बढ़ती देख कर्मचारी शाखा बंद कर निकल लिए। बैंक अधिकारियों को जैसे ही मामले की सूचना मिली उनमें हड़कंप मच गया। तो दोस्तों खातों में रुपए निकालने के लिए लगा हुजूम। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद के जिले भोजपुर गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बिजनेस कॉरपोरेटेड सेंटर बना हुआ है जिसमें उस आसपास के लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुले हुए हैं। शुक्रवार को अचानक खबर फैली कि कुछ लोगों के खातों में 10,700 रुपए पहुंचे हैं। खबर जैसे जैसे फैलती गई लोग अपनी पासबुक लेकर बैंक की तरफ दौड़ने लगे। जैसे बैंक पहुंचकर जब कुछ लोगों ने अपनी पासबुक में एंट्री कराई तो उनमें खातों में 10,700 रुपए जमा पाए गए। बस फिर क्या था, खबर आग की तरह फैल गई और बैंक में बाहर लोगों को हुजूम लग गया। खबर सुनकर बैंक के अधिकारी भी सकते में आ गए। तो दोस्तों अचानक से धनजन खातों में आ गए 10,700 रुपए निकालने कर लगी तत्काल रोक। अपने खातों से रुपए निकालने के लिए बैंक के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और कब भीड़ काबू से बाहर होने लगी तो बैंक के कर्मचारियों ने सेंटर बंद कर वहां से निकल गए। सेंटर बंद होता देख लोगों के हंगामा करना शुरू कर दिया। लोग चाहते थे कि उनकी पासबुक में एंट्री की जाए ताकि वो अपने खाते में आए रुपए निकाल सकें। जैसे अधिकारियों ने अमन फमन में इस सेंटर के खातों से रुपए निकालने पर तत्काल रोक लगाते हुए मामले की जांच करनी शुरू कर दी। हालांकि अब तक कुछ लोगों के खातों में रुपए निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अब तक कुछ लोगों ने खातों से रुपए निकाल भी चुके हैं, रकम कैसे आई जांच जारी है। तो दोस्तों इस संबंध में जब बैंक के अधिकारियों ने बात की गई उन्होंने बताया कि इस सेंटर में बैंक मित्रों ने जरिए हाल ही में जनधन खाते खुलवाए गए थे। शुक्रवार को कुछ खातों में रुपए जमा होने की खबर मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि ये रुपए अल्पसंख्यक विभाग की ओर से NEFT के जरिए ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि ये रकम क्यों ट्रांसफर हुई है इसके बारे में जांच की जा रही है। सेंटर में खुले खातेदारों को लेन देन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन खातों में 10,700 रुपए पहुंचे हैं उन खातों की संख्या करीब 2,500 है। तो दोस्तों जिन खातों में 10,700 रुपए पहुंचे हैं उनकी संख्या करीब 2,500 है। तो दोस्तों 2 महीने पहले जमा हुए थे 25,000 रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भी एक ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया। यहाँ कई लोगों के खातों में 25,000 रुपए जमा हो गए थे। इन लोगों के खातों में अचानक से 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जमा हो गए थे। वही हिसाब यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर सबके खातों में 10,700 रुपए जमा हो रहे हैं। बैंक खातों में अचानक अपने आप से इन रकम के आने से लोग हैरान हैं। खातों में जल्द से जल्द इस रकम को निकालने के लिए
SBI और UCO और यूनाइटेड बैंक की ब्रांचों से बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों के मन में सवाल भी था कि आखिर ये पैसा उनके खातों में निकल और क्यों जमा करवाया गया। हालांकि बाद में खबर आई थी कि करीब 4,000 लोगों के खातों में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जमा कराई गई योजना के तहत सीधे खाते धारकों के खातों में जमा कराए गए पैसे। तो दोस्तों ऐसा ही हो रहा है, अब सबके खातों में आ रहे हैं 10,700 रुपये। तो दोस्तों यूपी के मुरादाबाद उक्त वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 2,500 लोगों के खातों में 10,000 रुपये अचानक पहुंचे हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी जनधन खाता है और आप यूपी के मुरादाबाद में रहते हैं तो आपके भी खाते में आएंगे 10,700 रुपये। तो दोस्तों सभी जनधन खाते धारकों के खाते में आ रहे हैं। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिले के भोजपुर गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये ऐसा हुआ है, सभी के खातों में आए हैं 10,700 रुपये। तो दोस्तों अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपके खाते में भी आएंगे 10,700 रुपये। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।